अभी हम बनाएंगे बटर चिकन विथ रेड एंड स्पाइसी ग्रेवी, जिसके लिए मिक्सर के जार में 20-25 लहसुन डाल देंगे छील के, और इसके ऊपर ये 10 कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको भिगा के आधा घंटा तक रख देंगे, फिर इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। स्पाइसी बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का लेग पीस ले लेंगे, 6 लेग पीस मैंने लिया है, ये 6 लेग पीस हमने लिया है, और इसके ऊपर डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और इसके ऊपर डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच, और इसके ऊपर डालेंगे हम ये 2 चम्मच दही, इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच दही, और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे फ्रीज में 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए। स्पाइसी बटर चिकन बनाने के लिए मसाला पीसने के बाद ये कढ़ाई में डाल देंगे तेल, तेल कढ़ाई में, और तेल को गरम कर लेंगे, और इसमें डालेंगे तेल गरम करने के बाद जीरा, जीरा डाल लेंगे कढ़ाई में, डालेंगे हम ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन इसके अंदर पूरा, मसाले के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे और स्लो गैस पे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, फिर बाद ये ढक्कन हटा लेंगे, चिकन को चला लेंगे इस तरह से, तो चिकन चला लेंगे, और चिकन चलाने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच सेजवान का सॉस, और सेजवान सॉस को मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, और अब इसको फिर से 2-3 मिनट तक पकने देंगे, और ये 3 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे इस तरह से, और इसके डालेंगे हम ये जो मसाला पीसा था कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन का, वो इसके अंदर पूरा इसके अंदर डाल देंगे, ये बचा हुआ मसाला इसके अंदर जार से निकाल के पूरा डाल देंगे, और इसको भी मिक्स कर देंगे चिकन के साथ, इसको मिक्स कर देंगे, ये पूरा ग्रेवी बटर चिकन स्पाइसी रेड ग्रेवी के साथ, और इसको स्लो गैस पे 10 मिनट के लिए ढक देंगे, और ये कुछ देर बाद ढक्कन हटा लेंगे, और ये चिकन को एक बार चला लेंगे ताकि इसका ग्रेवी और जले नहीं, और फिर से इसको हम कुछ देर के लिए ढक देंगे, और ये 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और चिकन को एक बार चला लेंगे, चिकन
मिश्रण पकने वाला है और इसके ऊपर डालेंगे हम ये कसूरी मेथी एक चम्मच के आसपास इसमें डाल देंगे और कसूरी मेथी को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और इसको और 2-3 मिनट तक ढक के पकाएंगे और ये 3 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। चिकन जो है हमारा पक चुका है, चिकन हमारा पक चुका है। अब इसके डालेंगे हम ये 20 से 25 ग्राम के आसपास बटर चिकन के लिए और इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए ताकि बटर जो है पिघल के मिक्स हो जाए इस ग्रेवी में, रेड ग्रेवी में। और 2 मिनट बाद गैस हम बंद कर लेंगे, ढक्कन हटा लेंगे। ये जो बटर था मिक्स हो चुका है ग्रेवी में, इस तरह से बटर पिघल के ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये तैयार है हमारा बटर चिकन स्पाइसी रेड ग्रेवी।